हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने लेकर आई हूँ अंडे की भुजिया, जिसे अंडे का फुगीना भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार होता है। इसके लिए हमने ले लिए हैं 3 अंडे, डेढ़ प्याज लिया है जिसे हमने स्लाइसेस कर लिया है, और हमने ले लिए हैं 3 टमाटर। टमाटर आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं। अब मैं पैन में ऑयल डालने जा रही हूँ। मैंने गैस स्टोव ऑन कर दी है। मुझे लगभग इसमें 1 चम्मच ऑयल चाहिए। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। बस हमें प्याज़ों को फ्राई करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज जलें बिल्कुल ना, हमें इन्हें मीडियम हाई हीट पर ही फ्राई करना है। हमें गोल्डन ब्राउन करना है, इन्हें डार्क ब्राउन नहीं करना है, इससे फुगीने में बहुत बुरा कलर आएगा। और अब हम प्याज ऐड कर रहे हैं। इन प्याज़ों को हमने अभी हाई फ्लेम पर ही करना है फ्राई। उसके बाद हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और मीडियम हाई पर ही फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं, हम इन्हें स्टर करते रहना है। बीच बीच में हम स्टर कर रहे हैं इनको। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये चिपके नहीं और जले नहीं। अभी थोड़ा हाई फ्लेम पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये अच्छे से फ्राई होने लगे हैं। अब हम इनका फ्लेम हल्का कर देंगे। अब थोड़ा लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे चलाते हुए। जब ये खूब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हमें इसमें टमाटर ऐड करना है, और उसके बाद हमें इसमें सूखे मसाले ऐड करना है। बहुत इजी और कम टाइम में बन जाने वाली डिश है ये। देखें, अब ये थोड़े फ्राई होने लगे हैं। काफ़ी इनका कलर चेंज हो गया है। लगातार हम इनको स्टर कर रहे हैं। लगभग गोल्डन ब्राउन होने लगे ये। बस थोड़े से और हो जाएं तब हम इसमें अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। और टमाटर डालकर हमें इसको अच्छे से मिलाना है, थोड़ा दबाते हुए टमाटरों को, ताकि ये अच्छे से इसमें मैश हो जाएं और अच्छे से गल जाएं। हम इनको लगातार चला रहे हैं। अभी टमाटरों के साथ अच्छे से पक रहे हैं। हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना तीखा आप खाते हो उतना तीखा रखें। मैंने 3 अंडों के हिसाब से आधे चाय के चम्मच से थोड़ी कम मिर्च ली है। इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ, लगभग आधे चाय के चम्मच के करीब। और इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर। एक स्कूप के करीब मैंने धनिया पाउडर लिया। इसमें धनिया का मज़ा बहुत अच्छा होता है।
बस हमें इन्हें लो हीट पर ही, और अब मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, और लो हीट पर ही हमें इसे बनाना है और चलाते रहना है ताकि ये मसाले चिपके नहीं, जले नहीं। अब देखिए मैंने मसालों को भूनना शुरू कर दिया है, प्याज टमाटर और हमारे सारे सूखे मसाले अब इसमें भून रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, एक चाय की चम्मच के बराबर, थोड़ा अच्छे से भून जाए ये। अब इसमें अंडे ऐड कर दिए हैं मैंने, और इसको अंडे डालने के बाद हमें रोकना नहीं है, चलाते रहना है, क्योंकि इसे बिल्कुल एक स्क्रैम्बल्ड फॉर्म हमें देनी है, स्क्रैम्बल्ड एग की तरह हो जाएगा ये। अब हम इस साइड से साफ करते हुए इसे इस तरह से चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, वरना ये स्क्रैम्बल फॉर्म में नहीं हो पाएगा। और इसको चला चला कर ही हमें इसको इस तरह से बनाना है, जहाँ वो चिपक जाए उसे साफ करते रहना है, क्योंकि अंडा बहुत ही ईजली चिपकने लगता है। देखें अब ये स्क्रैम्बल फॉर्म में आने लगा है, और हमें इसे दबा चम्मच की नोक से, इसे हमें चम्मच से दबाते ही रहना है, ये जैसे पिचाने वाली शक्ल होती है, हमें इसे प्रेस करना है इस तरह से। ये देखें स्क्रैम्बल सा हो गया है ये, इसको थोड़ा सा भूनने में टाइम लगता है, इसकी भुनाई जरा अच्छे से करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम लग सकता है। इसको सब साइड से साफ करते हुए और इसको थोड़ा भूनना है, भुनने लगा है ये। अब ये रेडी है, हम इसको डिश आउट करने जा रहे हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट है हरी मिर्च और हरा धनिया, चॉप किया हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च। हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, हमने डिश आउट कर लिया है। ये हमने काट कर रख लिया था हरी मिर्च हरा धनिया, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे इससे। अंडे की भुजिया में हरी मिर्च और हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है, इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसके बिना आप इमेजिन नहीं कर सकते अंडे का को बिना। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर कितना प्यारा आया है इसका, और बहुत ही इजी टू मेक है। जब आपकी समझ में कुछ नहीं आए कि क्या डिश बनाएं, आप खुगीना बना सकते हैं, आप लोग भी बनाएं और बताएं कि आपका खुगीना कैसा बना। देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है।